एवरीवन, मैं हूं निक्की और एक बार फिर स्वागत है आपका निक्कीज किचन में। तो आज हम बनाएंगे भुना हुआ मूंगफली जो हम मार्केट से लेते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने ले लिया है एक कटोरी मूंगफली, एक चम्मच नमक और दो ग्लास पानी। और अब हम पानी को उबाल लेंगे। पानी उबलना शुरू हो गया है और अब हम इसमें नमक डाल देंगे और मूंगफली भी डाल देंगे। और इसे 5 मिनट तक उबलने देंगे। वैसे यहाँ पे मैंने मीडियम साइज की मूंगफली यूज किया है, आप चाहे तो छोटी वाली मूंगफली या फिर बड़ी साइज की मूंगफली से भी इसे बना सकते हैं। और अब 5 मिनट हो चुके हैं, मूंगफली अच्छे से उबल गया है और अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। और अब 5 मिनट हो चुके हैं और हम इसे छान लेंगे। और अब 5 मिनट के लिए हम इसे कपड़े में फैला देंगे। और अब हम एक तरफ एक पैन लेंगे और इसमें एक कटोरी नमक डाल देंगे। और अब 2 से 3 मिनट के लिए हम इस नमक को लो फ्लेम पे गरम होने देंगे। अब 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और नमक अच्छे से गरम हो गया और अब हम इसे मूंगफली को भी डाल देंगे। और अब हम लो फ्लेम पे इसी तरीके से 10 मिनट तक मूंगफली को भूनेंगे। अभी गीला होने की वजह से जो नमक है इसमें चिपक गया है और वो धीरे धीरे करके नमक अलग हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि नमक जो है धीरे धीरे मूंगफली से अलग होते जा रहा है। और अब 10 मिनट हो चुके हैं और फली जो है बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुका है और अब हम इसे छान लेंगे। और अब हमारा मूंगफली बिल्कुल तैयार है।